Hello students, welcome to CR International online classes. कैसे हो बेटा? आई होप कि आप अपने घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे. तो बेटा आज हम कक्षा नौवीं में हिंदी विषय में कविता हमारी 17 लेसन जो हमारी किताब में है, कविता है. कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी ये हमारी कविता का नाम है. कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं. कवि है राजेश जोशी, ठीक है. इनका जन्म 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ. कब हुआ कवि का जन्म? 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश में. इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर सवाल उठाया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं. क्या कहा है कवि ने कि जब छोटे बच्चे जो जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की होती है, खेलने कूदने की होती है, वो उस अवस्था में, उस आयु में अगर काम पर जाएंगे तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा. और बच्चे ही आज हमारे देश के भविष्य हैं. अगर वो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमारा देश भी बर्बाद हो जाएगा, हमारा देश भी विकास नहीं कर पाएगा. और जिन बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, उस समय वो काम करेंगे तो उनका बचपन उनसे छिन जाएगा. यही कवि ने, राजेश जोशी जी ने सवाल उठाया है. उन्होंने कहा है कि इस बात को आराम से नहीं कहना चाहिए, इसको सामान्य तरीके से नहीं कहना चाहिए, इस बात को प्रश्न के रूप में पूछना चाहिए, समाज से, प्रशासन से एक सवाल करना चाहिए ताकि उसका जवाब मिले. अगर सामान्य रूप से हम कह देंगे तो उसका किसी को क्या मतलब, कोई जवाब ही नहीं खोजने की कोशिश करेगा, कोई जवाब ही नहीं देगा. तो इसलिए कवि कहता है कि इसको बात को सामान्य रूप से नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि इसको एक प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए. तो इस कविता को आज हम पढ़ेंगे. देखिए, सबसे पहले अपने कविता पर आइए. कहता है कवि कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं. कोहरा, कोहरा क्या होता है? धुंध, जो सर्दियों के मौसम में पड़ती है. ये तो आपको पता ही है, जब बहुत ठंड होती है तो धुंध पड़ती है, ठीक है. जो सुबह का समय होता है और उस समय का वर्णन किया है जब बहुत अधिक ठंड होती है और उस समय बच्चे काम पर जा रहे होते हैं, तो उस समय का कवि ने वर्णन किया है. कहता है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी सुबह का समय है और सड़क कोहरे से, धुंध से ढकी हुई है और उस ठिठुरती सर्दी में छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं. आगे, बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है. और कवि क्या कहता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये हमारे समय की सबसे भयानक, ड्रावनी पंक्ति है, सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चे खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की बजाय काम पर जा रहे हैं. यानी ऐसे समय में बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था या घर पर अपने बिस्तर में आराम करना चाहिए था, लेकिन ये अपना पेट पालने के लिए काम पर जा रहे हैं. तो ये हमारे समय की सबसे भयानक स्थिति है, सबसे बुरी स्थिति है. आगे, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना. अब कवि क्या कहता है कि ये सबसे भयानक पंक्ति है हमारे समय की, लेकिन उससे भी भयानक क्या है? उससे भी भयानक है कि इसे सामान्य तरीके से लिखा जाना उससे भी भयानक है. बल्कि होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, लिखा जाना चाहिए.
चाहिए इसे सवाल की तरह, यानी सामान्य रूप से नहीं, इसे तो लोगों से प्रश्न पूछना चाहिए, समाज से सरकार से प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए, विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, सामान्य रूप से नहीं लिखाना जाना चाहिए, बल्कि इसे तो एक प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। क्या कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, यानी ये ऐसा नहीं लिखना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बल्कि इस तरह से लिखा जाना चाहिए था कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है। आई समझ में? एक बार फिर से देखिए कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि सुबह का समय है और बहुत अधिक ठंड है, उस समय उस ठिठुरती सर्दी में छोटे छोटे बच्चे उस कोहरे से ढकी धुंध से ढकी हुई सड़क पर ठिठुरते हुए काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, यानी ये पंक्ति कौन सी, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये पंक्ति हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, यानी फिर कवि क्या कहता है, और उससे भी भयानक है इसे सामान्य रूप से लिखा जाना, इसे तो लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, यानी इसे तो प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए, समाज से प्रशासन से सरकार से लोगों से प्रश्न पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? आगे देखिए, अगला पैरा देखिए, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। अंतरिक्ष होता है आकाश, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, गेंदें मतलब जो बच्चे बच्चों के खेलने की गेंदें होती हैं, बॉल होती हैं, तो कवि कहता है कि क्या आकाश में चली गई है इन बच्चों की जो खेलने के खिलौने हैं, गेंद है, वो क्या आकाश में चली गई है, क्या इतनी ऊपर उछाल दी कि वो वहीं चली गई, वहीं रह गई। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। अब कवि क्या कहता है कि ये काम पर जा रहे, पढ़ने लिखने के बजाय ये काम पर जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, क्या इनकी जो रंग बिरंगी, छोटे बच्चों की किताबें रंग बिरंगी होती हैं, इसलिए कवि कहता है कि क्या इनकी रंग बिरंगी सभी किताबों को दीमक ने खा लिया है। दीमक तो समझते हो ना, ठीक है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। अब कवि क्या कहता है कि इनके सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दबकर टूट गए हैं, जो सारे समाप्त हो गए हैं, जो ये खेलने की बजाय काम पर जा रहे हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। मदरसे क्या होते हैं? मदरसे होते हैं स्कूल, विद्यालय, यानी ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या सारे मदरसे भूकंप आने से उनकी इमारत भवन गिर गए हैं, क्या ढह गए हैं वो। क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। एकाएक होता है अचानक, एकाएक अचानक। अब कवि क्या कहता है कि क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, यानी क्या इन बच्चों के लिए खेलने की जगह बिल्कुल नहीं बची है, इनके खेलने के जो मैदान हैं वो खत्म हो गए हैं, क्या घरों के आंगन भी नहीं है जहां ये खेल सके, यानी इनके लिए तो घरों में आंगन खेलने के लिए होने चाहिए, खेल के मैदान होने चाहिए, जिस उम्र में इन्हें खेलना कूदना चाहिए उस उम्र में ये मजदूरी करने जा रहे हैं, ये तो सबसे बुरी बात है। ठीक है बेटा, आज इतना ही काफी है, एक आधी बची कविता हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए आप प्रश्न लिखिए, इनमें क्या क्या प्रश्न फाइंड आउट करने हैं आपने। पहला प्रश्न लिखिए, कवि ने समय की भयानक पंक्ति किसे कहा है। कवि ने
समय की भयानक पंक्ति किसे कहा है? दूसरा लिखिए, काले पहाड़ किसके प्रतीक है? ये दो क्वेश्चन आपको रफ नोटबुक में फाइंड आउट करके लिखने हैं, और नहीं समझ में आए तो मुझे कॉल करके मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। और जो हमारे सिलेबस में से अब की बार हटा दिया है, उपभोक्ता के संस्कृति नाना साहब के पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना, साखियां और शब्द, ग्राम श्री चंद्रगहना से लौटती बेर, मेघाए यमराज की दिशा, ये हमारे क्षितिज के लेसन कम कर दिए हैं, सिलेबस में नहीं है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे सिलेबस का आखिरी पाठ पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। धन्यवाद।